ज़्यादा करेंसी ये बनेगी कि हम ज़्यादा खा लेंगे, और जब हम इस प्लेट में खाएंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा खाएंगे। कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, ये डाइट वो डाइट, फर्क कुछ भी नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस शेयर करूंगी जिससे कि आपका गारंटेड वेट लॉस होएगा, और मेरी जैसी जो लेजी लड़कियां हैं जिन्हें जिम जाने में, एक्सरसाइज वॉक और डाइट करने में बहुत ज़्यादा बेकार सा लगता है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज आई हैव सम हैक्स फॉर यू फॉर योर बॉडी, ताकि आप जो है जल्दी से फिट हो जाएं, और जो नेक्स्ट आपकी कोई ओकेजन आ रहा है स्कूल में, ऑफिस में, या फिर कहीं पर भी, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शुगर को क्विट करना। यस ट्रू, क्योंकि आप जिम जितना मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी एक्सरसाइज आप कर लीजिए, बट अगर आप शुगर को क्विट नहीं करोगे आपका वेट लॉस नहीं होएगा। अगर आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ शुगर को जो है अपनी डाइट से निकाल दीजिए, चीनी को अपनी डाइट से निकाल दीजिए बिल्कुल ही, चाय में चीनी हो गई, फिर जैसे आप चीनी को बंद करने के लिए कहते हो, इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी चीनी से बनी चीज़ों को भी नो कह रहे हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जूसेस वगैरह जो आर्टिफिशियल आते हैं वो सभी को हम नो कह रहे हैं, और चाय में भी हम जो शुगर की जगह हम शक्कर ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप कोशिश करें बिना चीनी के ही चाय पीने की, शक्कर ही बिना ले तो ज़्यादा अच्छा है, बट क्विटिंग द शुगर विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स। नंबर टू पॉइंट है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है। यस, पानी पी लो, पानी पी लो। एक बात बोलो कि आप जितना मर्जी डाइट कर लीजिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छी स्टिक डाइट की, बट अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपकी डाइट बिल्कुल खराब हो सकती है, डाइट करने का मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि बॉडी को पानी को होल्ड करने की जो आदत है वो आप बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। आप जब ज़्यादा पानी पियेंगे, मतलब ज़्यादा पानी, ऐसा कहने का मतलब ये कि जैसे आप 60 से 8 गिलास जो है पानी जरूर पीजिए, ताकि बॉडी को ये ना लगे कि पानी की कमी है, पानी को स्टोर कर रहा है। आप जब अच्छे से पानी पीते हो तो उससे क्या होता है कि बॉडी पानी को जो होल्ड करने की टेंडेंसी है बॉडी की, वो नहीं करती है, और उससे जो है आपका वाटर फैट जो भी है निकल जाता है, क्योंकि पानी आप अच्छे से पी रहे हो तो जो बॉडी में फैट के रूप में जो पानी इकट्ठा किया हुआ है उससे वो निकल जाता है, और आपका वेट लॉस जो है आप देखेंगे कि जब भी आप पानी अच्छे से पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपका 2 से 3 किलो वैसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल। अब पोर्शन कंट्रोल करना सभी मतलब सभी सोचते हैं कि पोर्शन कंट्रोल मतलब क्या होता है, व्हाट इज अबंडेंट पोर्शन कंट्रोल, कैसे करें, कैसे होता है। सबसे आसान तरीका ये है, आप बड़ी प्लेट्स में खा रहे थे, जैसे हमारे घर में जो नॉर्मल प्लेट्स होती हैं, इन दोनों ही प्लेट्स के साइज में कितना फर्क है। जब हम इस प्लेट में खाएंगे तो ज़्यादा टेंडेंसी ये बनेगी कि हम ज़्यादा खा लेंगे, और जब हम इस प्लेट में खाएंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा खाएंगे। जब हम बिगर बाउल्स में खाते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, जब हम छोटे बाउल्स में खाते हैं तो कम खाते हैं। जब हम चावल वगैरह में खाते हैं, जैसे ज़्यादातर चावल से लोगों को प्रॉब्लम होती है, फैट वगैरह आ जाती है, तो चावल जितने आपके पाम के साइज़ के इतने से चावल जो है आपको लेने हैं। और मैं कहूँगी कि चावलों को जो है आप जब आप चावल खाएं तो आप प्लेट्स में खाने की बजाय बाउल में चावल खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाउल में एक साइड आप चावल, एक साइड आप स्वीट ग्रेवी के साथ खा रहे हो वो ला लें, और सैलड की लेयर बीच में लगा लें, और साथ में थोड़ा सा कर्ड डालें, इस तरह आपका फुल फ्लेज बाउल बन जाएगा, एंड जो आप राइस की क्वान्टिटी कम खा पाएंगे, तो इस तरह आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है टेक्निक सीख सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइंडफुल ईटिंग का। जब हम जो है आप देखेगा कि जब आप अकेले खाना खाते हैं, जब सारा ध्यान आपका खाने पे होता है तो आप कम खाना खाते हैं, एज कम्पेयर जब आप ग्रुप में खाना खाते हैं, जब सब लोगों के साथ खाना खाते हैं, जब गपशप बहुत ज़्यादा करते हैं, तभी हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी जो भूख ख़त्म हो चुकी है, हमें बस हम इतना ही खाना चाहिए था, या फिर जब हम टीवी देखते हैं, टीवी सीरियल फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, हम अपने दिमाग को इतना बिजी कर देते हैं कि जब वो हमें सिग्नल्स देता भी है कि हाँ हमारा पेट भर चुका, फिर भी हम खाते रहते हैं, बिकॉज वी आर सो बिजी, हम अपने दिमाग को इतनी ज़्यादा घुमा रहे होते हैं। सो कोशिश कीजिए कि एक मील जो है दिन में आप अपनी फैमिली के साथ जरूर खा सकते हैं, बट बाकी के जो मील हैं वो जितने भी आप ले रहे हो वो चाहिए कि आपको अकेले खाएं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके खाएं, टीवी मोबाइल फ़ोन ये सब को दूर रखें खाएं, इससे भी आपको जो है खाना जो है बहुत कम क्वांटिटी में खाएंगे और आपकी कैलरीज भी कम जाएगी आपकी बॉडी की। नेक्स्ट जो चीज़ आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस ईटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए,
आपको योगासन करने चाहिए। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, वो सारी एक्टिविटीज कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेसफुल ईटिंग जो होती है वो सबसे भयंकर वाली ईटिंग होती है। इतना आप खुश होने पर नहीं खाते जितना स्ट्रेस होने पर खा जाते हैं। तो इससे स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस आउट कीजिए अपनी लाइफ को। कुछ प्रॉब्लम्स है तो काउंसलिंग लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, खुश रहिए ताकि आपको जो है जो हंगर पैंस है वो बहुत ज़्यादा तंग ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि आपको हेल्दी स्नैक्स चुनने हैं। आप बाकी सब तो ठीक कर लेते हो, जैसे आप अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया, लंच अच्छा कर लिया, डिनर अच्छा कर लिया, बट आप अपनी डाइट में स्नैक्स को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। अपने स्नैक्स में आप इससे कुछ ना कुछ खा लेते हो, इसलिए अपनी माइंडफुल स्नैक्स स्नैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्नैक्स में नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो कि लो इन कैलोरी हो, जो आपके स्नैक्स जो है वो छोटा स्नैक्स रखें, बहुत बड़ा बिगर फैट वाला बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला स्नैक ना रखें। मैं आपको इसमें ट्रिक दूंगी कि आप कोशिश करें कि जो आपका स्नैक है वो 100 कैलोरीज के अंदर रैपअप हो जाए, मतलब 100 to 150 रख लीजिए, 150 कैलोरीज के अंदर आपकी जो स्नैकिंग है वो खत्म हो जानी चाहिए। मैं भी इन पॉइंट्स को यूज़ करती हूँ और थोड़ा बहुत वेट मैंने भी कम कर लिया है। इसकी डिटेल्स मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इफ़ यू गर्ल और आपको थोड़ी पीरियड्स में प्रॉब्लम रहती है, पीरियड्स हैक्स आपने ज़्यादा जाते हैं, तो अभी एक स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।